नमस्कार। 5 जुलाई 2005 से यह वह तरीक है जिस दिन जैश और लश्कर के आतंकियों ने दो बेकसूरों की जिंदगी छीन ली, जबकि एक को गोली लगने के बाद अपना एक पैर गंवाना पड़ा। 3 साल बाद भी इस अयोध्या में भूतों की टॉप की आवाज़ में दब जाती है। हमले में मारे गए निर्दोषों के परिवार की सिसकियाँ। जुलाई 2005 का वो काला दिन जिस दिन अयोध्या के अधिग्रहित परिसर में गर्भगृह में विराजमान रामलला के मंदिर में ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर में हमला कर तहस नहस करने की साजिश रची गई। दूर कश्मीर में अयोध्या पहुंचे आतंकियों ने पहले बम धमाका किया, इसके बाद जिसमें गाइड उमेश पांडा और दर्दनाक मौत हो गई और अंदरून फायरिंग करते हुए गर्भगृह की तरफ बढ़े, जिसमें गोली लगने से महिला और एक स्थानीय जख्मी हो गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और स्थानीय को अपना पैर गंवाना पड़ा। हालांकि हमला करने वाले 5 आतंकी परिसर में हमले के दौरान मारे गए थे। इस घटना के 3 साल बाद 5 जुलाई को अयोध्या में पुलिस की सरगर्मी दिखती है। प्रशासनिक और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर रहती हैं, लेकिन जिन्होंने इस घटना में अपने अपनों को खोया है उनके लिए मातम का दिन रहता है। एक ऐसा दिन जिसे शायद ही वह कभी भूल सके। फैसलाबाद से सैटेलाइट इंडिया के लिए गौरव मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट।